वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। टुडे माय टॉपिक इज हाउ मेटल रिएक्ट विद द नॉन मेटल। इज दैट क्लियर? व्हेन मेटल रिएक्ट विद द नॉन मेटल, मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल तो देन टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन करता है तो आयनिक कंपाउंड बनाता है, और नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा तब क्या बनाएगा? नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल तो देन टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तीसरा है मेटल, अब प्लस मेटल रिएक्शन करेंगे तब क्या बनाएगा? तो हम कहेंगे कुछ भी नहीं होगा, कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होगी, मतलब नो रिएक्शन। अब हमको ये जानना है कि क्यों मेटल मेटल रिएक्शन नहीं करते हैं जबकि मेटल नॉन मेटल रिएक्शन करता है, नॉन मेटल रिएक्शन करता है, ठीक है। रिएक्शन करते क्यों हैं सब, क्या जरूरत है इनके अंदर केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करने के लिए? बात को समझिएगा हमारे, कि मेटल नॉन मेटल से क्यों रिएक्शन करता है, नॉन मेटल से रिएक्शन क्यों करता है, क्यों आयनिक कंपाउंड बनता है, क्यों कोवेलेंट कंपाउंड बनता है, क्यों मेटल मेटल से रिएक्शन नहीं करता है, ऐसा रीजन क्या है? तो इसको समझने से पहले हमको पीरियाडिक टेबल के जीरो ग्रुप के एलिमेंट के बारे में समझना होगा। जीरो ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हैं? हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टान है, जीनान है और रेडान है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियान का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टान का 36, जीनान का 54, रेडान का 86 है। जब इनका हम सबसेल में डिवाइड करते हैं तो 2, नियान के लिए आएगा 28 सेल में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द सेल। आर्गन का 288, क्रिप्टान का 2818, जीनान का 2818, रेडान का 2818328, मतलब 32, 48, 10, 50, 10, 60, 78, 2818 8। तो 8, 2, 10, 10, 20, 28, 28, 32, 60, 10, 70, 78, 86, ध्यान दीजिएगा। यह जीरो ग्रुप के या 18 ग्रुप के एलिमेंट हैं ये, इनको कभी कभी जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। जीरो ग्रुप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी वैलेंसी जीरो होती है, इनकी जो वैलेंसी होती है जीरो होती है। जीरो क्यों होती है इसको भी समझना होगा कि हीलियम ये सब स्टेबल हैं, जीरो इसलिए हैं क्योंकि सब क्या है, स्टेबल है। या न तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और न तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी का मतलब यह होता है कि जिस एलिमेंट के एटम के आउटर मोसेल्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 होता है, न तो वह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है न तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, न तो देगा न तो गेन करेगा, क्योंकि वो ऑक्टेट है और ऑक्टेट का मतलब स्टेबल है। और जब स्टेबिलिटी किसी एलिमेंट के एटम की स्टेबिलिटी हो जाती है, मतलब वो स्टेबल हो जाता है, वो ऑक्टेट को कंप्लीट पूरा कर लेता है, तो इसका मतलब हुआ कि वह अपने एनर्जी को एटमॉस्फेयर में पूरी तरीके से रिलीज कर दिया है, उसके पास कोई एनर्जी है नहीं। तो जब एनर्जी कम होगी, एनर्जी नहीं होगी, ऐसा कह सकते हैं हम, जब एनर्जी नहीं होगी तो उसके एटम की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सिर्फ इनर्ट पीरियाडिक टेबल में 18 ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं, हीलियम को छोड़ दिया जाए
तो बाकी जितने भी एलिमेंट के एटम है सबके आउटर मोस्ट शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। हीलियम के बैलेंस शेल्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 2 है। लेकिन फिर भी यह भी स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? जब बाकी तो सब में ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे हैं लेकिन यह 2 है तो क्यों स्टेबल है? क्योंकि के सेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 हो सकता है और इससे ज्यादा होगा नहीं, इसलिए हीलियम भी क्या है? स्टेबल है। लेकिन ये ऑक्टेट नहीं है, इसको बोलते हैं ड्यूप्लेट। हीलियम को क्या बोलेंगे हम? ड्यूप्लेट। और बाकी सब क्या है? ऑक्टेट है। अब जितने इसको छोड़ दिया जाए तो पीरियाडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस इनर्ट गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहते हैं, चाहे वो हम सोडियम की बात करें या पोटेशियम की बात करें या कैल्शियम की बात करें या मैग्नीशियम की बात करें या अल्मोनियम की बात करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके समान हो जाएगा? नियॉन का। और उस कंडीशन में हम लिखेंगे Na पर +1 चार्ज, यानी मोनोवैलेंट कैटायन हो गया। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881 है। अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके समान हो जाएगा? आर्गन के समान हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से कैल्शियम का 20 है। अगर यह 2 डोनेट कर दे, 2882 है, अगर यह 2 डोनेट कर देता है तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल आर्गन के समान हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कि जब तक यह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितने भी एलिमेंट के एटम जब तक वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं उस कंडीशन में उनके इनर्जी का लेवल बहुत हाई होता है, वह कभी भी स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर सकता है। स्टेबिलिटी को मेंटेन तभी करेगा जब वह ऑक्टेट को कंप्लीट कर देगा, और ऑक्टेट का कंप्लीट होने का मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। स्टेबिलिटी बढ़ गई तो वह पूरी तरीके से अपनी इनर्जी को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया। हम दूसरा कोई कंपाउंड लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड है NaCl। NaCl एक ऐसा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मान लीजिए सोडियम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके समान हो जाएगा? 288। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के समान हो जाएगा। कब? जब इसको एक मिल जाता तो 288 हो जाएगा और आर्गन के समान स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस NaCl की कंपाउंड का जब हम एनालाइज करते हैं तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, क्लोरीन उसके इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, और यह पूरी तरीके से क्या है? स्टेबल है। NaCl क्या है? स्टेबल है, क्योंकि इस NaCl में सोडियम का वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हमको नियॉन का मिलता है। क्लोरीन इस NaCl में क्लोरीन का वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हमको आर्गन के समान मिलता है। तो कोई भी कंपाउंड, चाहे वह कोवेलेंट कंपाउंड हो या आयनिक कंपाउंड हो, उसमें उस जो कंपाउंड है उसमें जो एटम प्रेजेंस हैं वो पूरी तरीके से क्या है? ऑक्टेट हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड है MgCl2, और MgCl2 में देखिए मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मैग्नीशियम कितना डोनेट करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, और हर क्लोरीन इसके एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा यह क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा यह क्लोरीन। तो कंडीशन क्या होगा? मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हो जाएगा और क्लोरीन का, हर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 हो जाएगा। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो Mg पर +2 चार्ज एंड +2Cl पर -2 चार्ज हो जाएगा। मतलब यह भी कंपाउंड क्या? न्यूट्रल है, स्टेबिलिटी को ऑब्टेन कर लिया है, और जब स्टेबिलिटी को ऑब्टेन कर लिया है तो इसकी एनर्जी का लेवल क्या हो गया? 0 हो गया। दैट क्लियर। अब इसी के समान मतलब जितने भी कंपाउंड हैं वह अपनी स्टेबिलिटी इस इनर्ट गैस के समान बनाना चाहते हैं। अब कैसे बनाएंगे? बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, और बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। मेटल नॉन मेटल से कम्बिनेशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, नॉन मेटल से कम्बिनेशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो या तो शेयरिंग के द्वारा ऑक्टेट हो, या तो गेनिंग के द्वारा ऑक्टेट हो, या डोनेटिंग के द्वारा, मतलब डोनेट करके हो। तो उसी को हम बोलते हैं हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन क्यों करता है? क्योंकि वह अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इनर्ट गैस के समान बनाना चाहता है। और इसमें दो चीज़ है,
नॉन मेटल, नॉन मेटल से कम्बिनेशन करेगा तो कोवेलेंट कंपाउंड, मेटल नॉन मेटल से कम्बिनेशन करेगा तो आनी कंपाउंड। बाकी डिस्कस इससे रिलेटेड हम अगले वीडियो में करेंगे। दैट्स ऑल्स।